घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं, जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग गाते हैं, उनके बाद आप रिपीट करते हैं, तो ख्याल आपको वहाँ सीखने को मिलते हैं, गीत आपको सीखने को मिलते हैं। तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, डाउनलोड कीजिए और सीखिए। तो हम जो एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, हम अलग गायकी की बात कर रहे हैं क्योंकि कि जो सुगम टाइप है उसमें हम अगर यूपी प्रांत में आते हैं और वहाँ हम देखें कि जो दादरा होती है या ठुमरी होती है, तो हम जानते हैं कि वो वहीं से उपजी है, ये वहाँ का लोक संगीत है। ठुमरी कह लो या दादरा कह लो या होरी कह लो, है ना, जैसे कि टप्पा पंजाब का पटियाला साइड का है, वैसे ये यहाँ का है। इसमें मैंने ज़्यादातर ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, देखी है कि क्योंकि ये जो धुनें हैं ये बहुत ही पौराणिक धुनें हैं या वो पुराना संगीत है, तो तब ना तो इतना शास्त्र था ना कुछ था कि लोगों को पता हो ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये संगीत शास्त्रगत तो बाद में लोगों ने कर दिया कि ये जो है ये वाली राग है, इसका ये थाट कर देते हैं, इसमें ये नियम है। लोग तो उसको उस ढंग से गाते थे, जैसा इमोशन होता था वैसी धुन बन जाती थी, और फिर वो वैसे इमोशन की अगर और चीज़ें बनी हैं तो वो फिर एक राग हो गया, ये भाई ये राग है क्योंकि ये इस राग में ये रस है जिस रस की ये चीज़ें हैं, है ना। तो ठुमरी हो या होरी हो या दादरा हो, इसमें मैंने देखा है कि जो काफी का बहुत रिलेशन है, काफी थाट जो है या काफी राग है उसकी पीलू है ना, उसका अंग काफी रिलेटेड होता है, तो उसका कोई क्या लॉजिक है या ऐसा क्यों होता है, इसका थोड़ा सोचें। इन रागों में श्रृंगारिकता का पुट ज्यादा है ना, अच्छा श्रृंगार रस का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है इसमें, है ना, तो और वो चीजें श्रृंगार की ही है इसलिए उसमें बनाएंगे तो श्रृंगारिकता नजर आती है, इसलिए ऐसा होता है कि जो ठुमरी के जैसे शब्द होते हैं, क्योंकि ठुमरी पर अगर हम चर्चा करें कि ठुमरी क्या चीज़ है, तो उसमें आप बताएं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये गीत है और ये ठुमरी है, ठुमरी की अगर परिभाषा निकालें तो थोड़ी क्लासिकल टच, गीत तो सीधा सीधा होगा, है ना, आप जैसा जो शब्द है उसकी एक रचना कर दी आपने, इस तरह की कंपोजिशन है इसका, तो आप उस कंपोजिशन को गा लोगे। अब ठुमरी में वो कंपोजिशन थोड़ी गा रहे हो आप, अपनी उपज दे रहे हो ना उसमें, अब उपज से गा रहे हो और उपज में भी श्रृंगार का विशेष ध्यान रखते हुए गा रहे हो, है ना, उसको ये देख रहे हो कि इसमें कहाँ पर किस स्वर को लगाने से या किस मीड को लेने से श्रृंगारिकता कितनी बढ़ेगी, अगर विरह है तो विरह कैसे आएगा, है ना, आप ये सोच के गा रहे हो, इसलिए वो सेमी क्लासिकल में आता है। गीत तो सीधा सीधा गीत हो गया, है ना, वो तो एक के बाद एक पंक्ति आप गाते जाते हो और करते जाते हो, बस ये फर्क है इसमें दोनों में। और अब ठुमरी आप बैठ के अपने हिसाब से गा सकते हो, अगर आपका मन है तो 10 मिनट गा रहे हो, आपका मन है तो आधे घंटे तक गा रहे हो, है ना। तो उसकी जो शब्द रचना होती है ठुमरी की, वो कैसी डिफरेंशिएट होती है अलग किसी से, कि उसमें क्या भाव होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, श्रृंगार रस तो आपने बताया उसमें, लेकिन जो शब्द रचना है या जो थीम है उसकी, टॉपिक्स किस टॉपिक पे लिखे जाते हैं, गीत तो किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके शब्दों से उसका कोई लेना देना नहीं है, शब्द तो विरह के भी हो सकते हैं, विरह के भी हो सकते हैं या फिर श्रृंगार के भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कंपोजिशन कैसा है उस पे बात है, उसकी बात है ना, बात उसकी है कि कंपोजिशन कैसा किया है। आपके पास एक स्थाई है और एक अंतरा है, जैसे ख्याल होता है, ख्याल में एक स्थाई होता है और एक अंतरा होता है, तो वैसा एक स्थाई अंतरा आपने उस तरह का लिखा है या पुराना है कहीं लिखा हुआ है तैयार, आपको आपने उसको उसमें कंपोज कर लिया, है ना, जो आपको चाहिए, ये तो मन से उपजता है कि मुझे इसमें क्या करना है, है ना, जान लिया आपने कि इसमें एक ठुमरी मुझे कंपोज करनी है, तो आप उसकी एक आउटलाइन बनाओगे, है ना, उसकी आउटलाइन को आप एक कंपोजिशन कहोगे, लेकिन बाकी उसको गाओगे तो इतना सा ही थोड़ी गा लोगे, फिर उसके बाद आप उसको गाओगे अपने हिसाब से गाओगे, जैसा आप करना चाहते हो वैसा करोगे, है ना, तो महत्व शब्दों का नहीं है, महत्व आपकी गायकी का, ठुमरी अगर बनती है तो गायकी से बनती है, शब्दों से नहीं बनती, है ना। ठीक।